स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। आज हम बनाएंगे बेसन सूजी और नारियल की बर्फी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस चलाकर कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी पिघल जाने के बाद इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे और आँच धीमी कर इसे हम भून लेंगे। बेसन भून चुका है, इसमें हम 1 कप सूजी डाल देंगे और साथ में भून लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है। जैसे ही बेसन सूजी भून जाएगा, इसमें से सुगंध आना शुरू हो जाएगा और इसका रंग भी बदल जाएगा। बेसन सूजी भून चुका है, इसमें हम 1/4 कप नारियल पाउडर डाल देंगे और साथ में इसको भी भून लेंगे। इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगातार फेंटते हुए इसे हमें पकाना है ताकि कोई गांठ न रह जाए। 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और साथ में पका लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हलवे की तरह पक चुका है और इसमें से देसी घी भी छोड़ने लगा है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और एक मिठाई के डिब्बे में हमने देसी घी ग्रीस कर लिया है। आप इसकी जगह पे ट्रे या थाली में भी फैला सकते हैं। और इस हलवे को डालकर हम एक बराबर फैला देंगे। हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसे हाथ से दबाते हुए एक तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा कटे हुए काजू और पिस्ता डाल के गार्निश करेंगे और 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो चुका है, इसे हम बर्फी की तरह काट लेंगे और डिब्बे में से बाहर निकाल कर एक ट्रे में रख लेंगे। कटे हुए पीस को हम अलग अलग कर देंगे। बेसन सूजी और नारियल की बर्फी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।